ओके हाय स्टूडेंट्स, टॉपिक टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक वन तो खत्म हो चुका था कूलम। टॉपिक टू में लास्ट लेक्चर में ये 28 तक क्वेश्चन किया था अपन ने, ठीक है। उसमें दो सिग्निफिकेंट बातें थी मेन, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, व्हाट वाज इट, इट वाज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये याद रखना है, फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे सम्स है इस पे। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर एक फोर्स का नया फॉर्मूला मिला था ना, क्यूई, एफ इज इक्वल टू क्यू, ये भी तो बनाया था, ये भी काम आने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और अंदर से जानेंगे, थोड़ा और डीप में समझेंगे उसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रॉइंग्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक ट्रेवल करता है, उसका डायरेक्शन कैसे पता करें, उसके बारे में छोटी छोटी चीजें। तो चलो, उसका एक क्वेश्चन है 29, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल अर्थ गठन क्या है, क्या समझ है उसकी, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो समझते हैं। तो तीन चार पॉइंट लेने, जैसे देखो सबसे पहला पॉइंट ये ले सकते हैं हम कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है या पूरा चार्ज का सिस्टम है, उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमको क्या देता है, इधर सब जगह होता है ये चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज, पूरा का पूरा सिस्टम है चार्ज का, ये ले धन आगे, बस चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको क्या देता है। एक्चुअली वो हमको यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स है वो देता है, क्या देता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस व्हेन वी प्लेस अ पॉइंट यूनिट चार्ज अराउंड द रीजन ऑफ एनी चार्ज सिस्टम। ओके, तो पहला पॉइंट पकड़ में आया क्या, कि किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है ये हमको क्या देता है, व्हाट इट प्रोवाइड्स अस, इट प्रोवाइड्स अस द फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। ओके, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि चार्ज के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में समझ है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसके बारे में जानना है ना, तो इसकी लाइंस अलग से ड्रॉ करेगा, ऐसे इसकी लाइंस ऐसे निकलेगी। जब हम इन लाइंस को पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं, लेकिन अभी तो इसको तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाए ना, तो अभी हम जो भी समझ रहे हैं वो सारा इस सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। क्लियर, दो पॉइंट हो गए ना। अभी एक दो और पॉइंट डाल दे, इसका इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगा। ओके, अभी दो और डाल दे, तो तीसरा ऐसा डाल देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर, वेक्टर है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू, देख ले, इस पे भी डायरेक्शन, इस पे भी डायरेक्शन, तो ये वेक्टर है, हो गया। एक और इसका क्वालिटी है लास्ट, कोई एक्सेलरेटेड चार्ज होता है ना, एक्सेलरेटेड मतलब यहां से निकला ही गया, स्पीड बड़ा बड़ा बड़ा, या तो स्पीड घटा घटा घटा, एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा वेव्स प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है, और वेव्स का स्पीड क्या होता है पता है, उन वेव्स का लाइट का स्पीड होता है, यस। तो जैसे ये कोई एक्सेलरेटेड चार्ज यहां से एक्सेलरेट हुआ, जूम 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 यहां तक गया, तो इस ड्यूरिंग इट एमिट्स वेव्स, इट एमिट्स वेव्स एंड द स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, 3×10⁸, यस। बस तो इतना चार तो बहुत हो गया ना, चलो एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूं। आया फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देता है, किस पे, यूनिट चार्ज पे, जो फोर्स लग रहा है वो हमको बताता है,
हाँ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली सिस्टम का प्रॉपर्टी है जो स्ट्रेस्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आधी गोला है, अरे नहीं वेक्टर है, उसपे डायरेक्शन का एरो आता है। लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सीलरेट होता है जूम, तो वेव पैदा करता है, जूम जूम वेव निकालता जाता है। वेव का स्पीड क्या होता है? लाइट का स्पीड। हो गया रिवाइज। चलो एक और क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें यह बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा समझाओ भाई, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड समझा देता हूं, लेकिन पहले एक पॉइंट देख, ये हम जो फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये लाइन क्या दिखाती है? ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को दिखाती है, फिजिकल प्रेजेंस को दिखाती है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है यहां पे, जैसे चार्ज पड़ा है तो उसके आसपास इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसी लाइन थोड़ी होती है। देखी किसी ने कभी लाइन मैग्नेट के आसपास उसकी लाइन दिखती है कभी? नहीं ना। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दे जस्ट शो द ड्रॉइंग सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट ड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये। अब चल मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिया अपन ने? के क्यू बाय आर स्क्वायर लिया, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है ना उस पर, तो ये मैग्नीट्यूड है। अब ये सीधा रिलेशन देख, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है साहब कि ये और ये उल्टा पुल्टा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना? अरे ऐसा ही होता है ना, इनवर्स है यार। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस बढ़ा तो फील्ड घटा, व्हेन डिस्टेंस बढ़ा, बढ़ा मतलब इंक्रीज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा। घटा कैसे लिखते हुए? जी एच, इससे बढ़िया इंग्लिश लिख लेते सर, घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा। और ये सच भी है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कमजोर पड़ेगा ना भाई। तू फैन के नीचे खड़ा है तो बहुत सारी हवा लगेगी, लेकिन तेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तू दूर चला जाएगा तो फैन की हवा तेरे को कम लगेगी ना, तो फील्ड का रेंज कम हुआ ना। हाँ, तो डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, ये इसके मैग्नीट्यूड का मतलब है। इसका ड्रॉइंग भी हमको पता है, जैसे पॉजिटिव है, इसका पहला एरो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो दूसरा थोड़ा छोटा करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे फील्ड घटता है। ये घटा, ये घटा, ये देख घटा, डिक्रीज हुआ रे, अंग्रेजी मीडियम डिक्रीज बोलते हैं। हाँ ठीक है, आप अब दिल से सोचना, हमको हिंदी ज्यादा मजा आता है ना, ये हमारी डेली यूज का लैंग्वेज है, तो हमको उसमें ज्यादा कंफर्टनेस होता है। घटा बढ़ा, बढ़ा घटा, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, में फील नहीं आता है, इसमें फील नहीं आता, इसमें मेरे को फील आता है ये घटा ये बढ़ा। चल ठीक है, बहुत हो गया नाटक। अच्छा ऐसे ही नेगेटिव का भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के जो एरो होते हैं इनवर्ड होते हैं, रेडियली इनवर्ड, पिछले लेक्चर में बताया गया था। सर आज का लेक्चर तो मुश्किल से पढ़ रहे हैं, आप कहां पुराने मुर्दे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ के बैठने का लेक्चर में तो फिजिक्स फील होगा, वरना तू सोम सर से पढ़ या किसी से भी पढ़, तेरे लिए फिजिक्स जीरो ही रहेगा फिर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। अच्छा ये आइए पिया, वीडियो को आप कैमरामैन को नहीं बोल रहा हूं, बच्चों वीडियो पोज करो, पानी वानी पी के आओ और मन लगा के बैठो इस थियरी में। ये आईएमपी है, गुजरात बोर्ड वाले के बच्चों के लिए तो खास आईएमपी, ठीक है? चलो कैमरा थोड़ा सही करो भाई, ऐसे रखो ना इधर थोड़ा, हाँ अब सेट है, अब इसको हिलने नहीं देना। हाँ चलो देखो, क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब तक तूने जितनी थियरी पढ़ी ना, 26, 27, 28, 29, 30, 31, पांचों थियरी का निचोड़ और कुछ नया इंफॉर्मेशन। चल सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं तो हमको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। देख मैग्नेट होता है,
ऐसे एन से एस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से प्रोड्यूस होती है, एन में से, और एस तक जाती है, फिर एस से वापस होके एन में भी तो आती है, मतलब ये लोग पूरा क्लोज लूप बनाते हैं। अब जैसे इसमें एन एस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव से स्टार्ट होती है फील्ड लाइंस और कहां तक जाती है, नेगेटिव तक, ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है, नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में एंड हो जाती है। ओके, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव तक जाती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इट नेगेटिव। ठीक है। अच्छा सर, ये तो दो दो चार्ज है, लेकिन सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज का स्टार्ट होगा पॉजिटिव में से और एंड कहां होगा, इन्फिनिट में, समझा। और मान ले नेगेटिव चार्ज है तो सर इसके तो अंदर आता है ना, कहां से आएगा, तो इन्फिनिट से आएगा, ऐसे समझ लेंगे हम लोग। सिंगल चार्ज है तो इन्फिनिट से गया और इन्फिनिट से आया, ऐसा समझना है, लेकिन प्लस माइनस है तो प्लस से स्टार्ट हुआ एंड एंड एट द नेगेटिव। हो गया एक मस्त दासू कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, ये नहीं बनाती, कहां है, यहां तक ही तो गया, घूम के वापस कहां आएगा, तो डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये दास हो गया। चल वन मोर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, आप जैसे देखिए ये रहा पूरा इसका कर्व, अब इस पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे इधर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है कि इस पॉइंट पे जो बंदा खड़ा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगा, इस पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट टेंजेंट पे लिखना है, कैसे लिखोगे, टेंजेंट शोज द डायरेक्शन इट दैट पॉइंट, टेंजेंट शोज द डायरेक्शन इट दैट पॉइंट, क्या लिखिएगा, अगर देख लिखने के लिए क्या है, अच्छा पॉइंट लिख सकते, कैसे, टेंजेंट ड्रॉन इट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन, टेंजेंट ड्रॉन इट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट दैट पॉइंट, टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट दैट पॉइंट, तीन हो गए। चल एक और देख, अब अपने को पता चल गया टेंजेंट से डायरेक्शन मिल जाता है। अच्छा पहले भी किसी का टेंजेंट से डायरेक्शन पढ़ा है कभी लाइफ में, वेलोसिटी याद कर, जैसे सर्कल है, सर्कल पे कोई मोशन में है तो इधर जब पहुंचा तो उसका वेलोसिटी ऐसे होगा, इधर पहुंचा तो वेलोसिटी ऐसे होगा, इधर पहुंचा तो ऐसे होगा, इधर पहुंचा तो ऐसे होगा, है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी टेंजेंट से मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टेंजेंट से मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दो दो हेल्प है, पहला फोर्स की डायरेक्शन में भी होता है और टेंजेंट की डायरेक्शन में भी होता है, दोनों तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। अब एक और, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये ड्राइंग कभी पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, ये वाला ड्राइंग कभी पॉसिबल नहीं, कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, क्यों, इसका सिंपल रीजन है, मान ले दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट ऐसे जाएगा और ये वाले का टेंजेंट ऐसे जाएगा, तो एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट, मतलब एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिख दे डू नॉट क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर, एक ये भी हो गया इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक और बढ़िया देते, चलो ये तो समझ में आएगा, पहली प्लस से स्टार्ट हो गए माइनस पे एंड होता है, और सिंगल चार्ज है तो स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जाता है, इन्फिनिट से स्टार्ट होके यहां तक आता है, ये पहला पॉइंट हो गया प्लस से माइनस। दूसरा पॉइंट, ये लोग क्लोज लूप नहीं बनाता मैग्नेटिक लाइन जैसा, ये लोग प्लस से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म हो जाता है, वापस लौट के नहीं आता। थर्ड, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन, कैमरा बहुत हिल रहे भाई, दोनों हाथ से पकड़ो, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। अच्छा, दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, एक और, जहां फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा है, देख इस ड्रॉइंग को गौर से देखना दोस्त, इस रीजन में देख डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पे फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, यहां पे देख डेंसिटी कम है तो यहां पे इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, वीकर, है ना। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्या, कि द रीजन इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर आर क्लोज
it will be a strong electric field region. And the region where electric field lines are rarer, not enough closer, that will be the weaker electric field region. ओके है ना, ठीक है चल चलो एक और देता हूं लास्ट वाली, यहां पे जगह बनाता हूं लास्ट वाली, एक और ले ले। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करना है सीख लेना, बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, पूरा यूनिफॉर्म ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं ये देख नॉन यूनिफॉर्म है, देख यहां पे स्ट्रांग है यहां पे कमजोर है, तो एक जैसा थोड़ी है, तो अलग अलग है। यहां पे जैसे 10 न्यूटन पर कूलम है स्ट्रांग है, तो यहां पे कम होगा 3 न्यूटन पर कूलम, तो ये अलग अलग है। लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए तो फिर सब जगह एक जैसा लाइन दिखना चाहिए। हाँ तो यूनिफॉर्म फील्ड को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे देख, इक्वी डिस्टेंस सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल है एंड पैरेलल, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल, क्या याद रखेगा, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल हो गया। अब ओके चल एक और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ ड्रॉइंग इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तेरे दिमाग में कंफ्यूजन बहुत हो रहे होंगे, कभी सर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी सर कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, मैग्नेट में तो सर एक ही जैसा होता था, यूं घूम के आया घूम के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग दिख रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं करने का, मैं 3-4 ड्रॉइंग के सैंपल देता हूं, तो तेरा स्ट्रेंथन, इट विल स्ट्रेंथन योर टॉपिक। चल जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड कैसे ड्रॉ करना है, पॉजिटिव चार्ज का हम करते ऐसे हैं, होता नहीं है ऐसा। अरे सर क्या बात कर रहे हो यार, 2 लेक्चर से तो पढ़ा रहे हो बोलते होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है जेन्युइनली, वो ऐसा होता है। देख ये प्लस है, यहां से फील्ड लाइंस निकली ऐसे, ये तनाधन कर्व होती है ना, ऐसे दूर दूर तक जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस इंफिनाइट रीजन पे छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ऐसा दिखेगा है ना, ये सारा नहीं ड्रॉ करते हैं, समझ ले। तो फिर देख ये तो हमको बिल्कुल रेडियली दिखेगा ना ऐसा, हाँ ओके चलो। फिर थोड़ा छोटा छोटा, ये तो पता है ना कि दूर जाने पे फील्ड का इंटेंसिटी कम होता है, हाँ। अब नेगेटिव है तो सेम, लेकिन नेगेटिव में इनवर्ड है डायरेक्शन आएगा, क्योंकि कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के अंदर आता है, नेगेटिव में से बाहर नहीं निकलता है, हो गया। फिर ये वाले स्मॉल एरोज डन। अब ये और थोड़ा टफ टफ में देखते सर, मान ले एक पॉजिटिव तो ऐसा है सर, दो पॉजिटिव नजदीक आ गए तो ये बीच वाले रीजन में कुछ ड्रॉइंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये अपना फील्ड लाइन निकालेगा ऐसे, वो निकालेगा ऐसे, दोनों युद्ध करेंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, समझा, एक दूसरे के साथ दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर, तो बीच में कोई लाइन नहीं ले सकता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ एक लाइन मान लो इधर तक घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो यूं मुड़ जाएगी, क्योंकि इसका रिपल्सन होगा तो मुड़ना पड़ेगा, इसकी भी कोई लाइन निकली तो यूं मुड़ जाएगी, समझा कि नहीं, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन तू समझ रहा है मेरी फीलिंग्स को, देख ले बस। हमारे गुजराती में कहावत है ताराजू कौन था, ठीक है। ए और दूसरा लाइन भी ऐसे ही इधर ही मुड़ जाएगा, ये भी इधर मुड़ जाएगा, मतलब इस रीजन में कोई आ नहीं पाएगा रिपल्सन की वजह से। अब इधर का लाइन तो बिंदास निकलेगा, देख ऐसे ऐसे, इसको कौन रोकेगा, तो बिंदास निकलेगा, इसके भी इधर के लाइन तो बिंदास निकलेंगे, कौन रोकेगा, समझा, बीच में कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या, दो पॉजिटिव चार्ज को पास में रखा जाए तो उनका पूरा फील्ड लाइन का ड्रॉइंग ऐसे आता है, समझा। अब एक प्लस और एक माइनस को रख दिया, तो चल ये थोड़ा बढ़िया ड्रॉइंग है, आज का लास्ट ड्रॉइंग है, एक प्लस और एक माइनस को रख दिया, तो प्लस में से लाइन निकलेगा, तो माइनस का लाइन ऐसे सामने थोड़ी आएगा, नेगेटिव में से तो लाइन इनवर्ड होता है ना, ऐसा आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसको भी इधर जाना है और इसकी लाइन को भी इधर ही खींचना है, समझ, तो ये तो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो प्लस माइनस है तो बीच में आएगा एरो, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस गया, ये आएगा, ठीक है। अच्छा प्लस की खुद की लाइंस भी होंगी ऐसे, ये ऐसे होंगी, सॉरी ये सारी लाइन निकल के घूम घाम के इधर से वापस अंदर घुसेगी, ये लाइन भी कहीं से घूम ऐसे होगी, जैसे निकली टिंग 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 यहां से अंदर घुसी, समझा कि नहीं, हाँ। तो माइनस की लाइन ऐसी होती है, प्लस की लाइन ऐसी होती है, देख ले, इजी है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया
नेगेटिव। अच्छे से पढ़ना, मैं नोट्स मैसेज कर रहा हूं, ठीक है? पढ़ के आना अगले लेक्चर में, बहुत मजा आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। चल जलसागर, बाय।